अभी मैं मेन चक्राता में आ गया हूँ, जहाँ से मेरी दो तो मैंने वहाँ एक्सप्लोर कर दिए दो तीन चीज़ें, और चौथी चीज़ें एक और है वो भी जा रहा हूँ, उसका नाम भी मैं आगे बताऊँगा। और मेन मार्केट में हूँ, तो मेन मार्केट में आपको खाने पीने का तकरीबन सामान मिल जाएगा यहाँ से, जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें है आपकी, तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मेन मार्केट के चौराहे पर खड़ा हूँ इस वक्त मैं, और ये मसूरी वाले रोड पे है जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ मुझे जाके एक्सप्लोर करना है। अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, और वो रोड दिखा रहा हूँ, वो ये रोड है, और अभी मैं चकराता मेन मार्केट में खड़ा हूँ इस वक्त। और ये आर्मी का एरिया है, और वहाँ पे भी बता रहे थे कि आर्मी का एरिया, और 10 साढ़े 10 बजे के बाद आने नहीं देते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। और सामने आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये फ़ोन निकालना पड़ेगा, फ़ोन निकाल के दिखाता हूँ, वो देखे चकराता का, आई लव यू चकराता। और ये मार्केट है, ये सब्जी हो गई, पीछे भी दुकानें हैं, ये सब कुछ है। तो आपको जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ज़्यादा हाई फाई तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है वो 3 किलोमीटर की है, तो 3 किलोमीटर के बाद फिर थोड़ा बहुत ट्रैक बता रहे हैं, अब देखते हैं थोड़ा बहुत कितना होता है, बता तो यही रहे थे भाई थोड़ा बहुत ट्रैक है 3 किलोमीटर के बाद। और रोड की चौड़ाई काफ़ी कम है, बस यहाँ ध्यान ही वही रखना पड़ता है कि आपको गाड़ी मोड़ पे धीमी रखनी है और हॉर्न बजा के रखना है। पीछे आर्मी वाले ट्रक आ रहा है, पौ पौ कर रहे हैं, वे भी अपनी जगह ठीक रहे, और मेरा पीछे का गिलास भी गंदा, देख नहीं पा रहा कि कभी जल्दी हो तो उनको आगे निकाल दूँ। एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ भी ऑटो चलता है, और ये नहीं पता चकराता से कितनी दूर जाता है, और ये शायद इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है बिजली वाले, तो लोकल ही चलते होंगे 10 किलोमीटर के आसपास, या 5-5 किलोमीटर होगा, या ये आर्मी एरिया है यहाँ के आसपास। ये देख लीजिए पूरा आर्मी एरिया है, ये तो यहीं मुड़ गया। ये अभी मैंने एक लोकल से पूछा था कि भाई कितनी आगे हो रहा है, उसने कहा इस रोड पर चले जाओ और 20-30 मीटर जाके आपके राइट साइड में है। देखते हैं अभी यहाँ पे गाड़ी, देखते हैं पार्क हो पाएगी या नहीं आगे। वहाँ जाना है ऊपर, और ये देखिए यहाँ से व्यू, गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क कर रखी है मैंने, व्यू तो बहुत अच्छा है। अब ट्रैक करते हैं, बहुत हो गए, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रैक करो तो गाड़ी वापसी में आप मत चलाओ, कोई और चलाए तो बढ़िया, क्योंकि मुझे तो आदत है, क्योंकि 3 किलोमीटर का ट्रैक मैं करके आया हूँ, 3 और 3 6 किलोमीटर का, तो पैर थोड़े वो होते हैं, कांपते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप। अगर आपको भी आदत है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आदत नहीं है तो गाड़ी मुश्किल चला पाओगे। आज तो सब कुछ ट्रैक में ही गया, पूरा जंगल। और ये आर्मी कैंटर है, ये बता रहे थे कि आर्मी कैंटर है, ये सारा व्यू, वो गाड़ी खड़ी। चलो भाई हिम्मत कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा एक्सप्लोर के लिए। आ गया हूँ, देख लो थोड़ी दूर और रह गया वो सामने, और ये देख लो। तो आज का दिन तो काफ़ी टफ होगा, लेकिन इस टफ दिन को भी शाम को ठीक कर देंगे। ये देख लीजिए, और ये है चिरमिरी टॉप, यहाँ पे सनसेट अच्छा बताते हैं, तो सनसेट होने का इंतज़ार करते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए आज के दिन काफ़ी टॉप दिखा दिया आपको, तो
तो भाई इससे ज़्यादा टॉप सर्च ना हो सके, अपने भी हिम्मत बोल जाओगे। तो ये देखते रहो आप, अभी थोड़ा सा आगे जाता हूँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ से आपको। वो देखे वो सामने उंगली कर रहा हूँ, वहाँ कुछ बना हुआ रिसोर्ट, और एक वो वहाँ पे, और वो देखो टॉप पे, और ये पहाड़ चारों तरफ। तो ये चिरमिरी टॉप है, तो कभी आप आओ तो यहाँ पे भी आना, यहाँ का सनसेट ही अच्छा बताते हैं। ये चारों तरफ व्यू देख लीजिए, और मेरी गाड़ी वहाँ पार्क है, और उससे ऊपर और भी गए हुए गाड़ी लेके उधर। अब आपको ये चारों तरफ का व्यू दिखा दिया चिरमिरी टॉप का, जब सनसेट होता है तो वो भी दिखाते हैं। ये आपको मैं सनसेट दिखा रहा हूँ, आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये सनसेट। कभी आप कहो कि भाई साफ क्लियर नहीं है या कुछ नहीं है, तो जो मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जो मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इसको आप भी फील करो। कभी भी टाइम लगे तो यहाँ पर ज़रूर आना, ये चिरमिरी टॉप है और व्यू बहुत अच्छा। मैं पिछले 2-2.5 घंटे से बैठा हूँ, म्यूज़िक बजा के आराम से फुल एंजॉय ले रहा हूँ, और दूर दूर तक नज़र जाएगी तो आपको क्लियरिटी पूरी नज़र आएगी हिमालय की। फिर दोबारा मैं आपको सनसेट की तरफ कर रहा हूँ फ़ोन, ये देख लीजिए, ये यहाँ का सनसेट है। लेकिन इससे भी अच्छा होता, जो मुझे बताते हैं इससे भी अच्छा होता, आज मौसम ख़राब है तो उन्होंने ही कहा कि भैया फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बैठने का, तो आप जो भी है ये बना लीजिए, नहीं तो ये भी नहीं बनेगी वीडियो। और चिरमिरी टॉप ने तो ठंड भी कर दी, तो जैकेट भी पहन लिया, देख रहे हो आप। तो जर्नी अभी स्टार्ट है, कल क्या एक्सप्लोर करेंगे वो कल की कल सोचेंगे। अभी मैं थोड़ा एक ग्राउंड है उसमें जाके आधा एक घंटा टाइम पास करके फिर उसके बाद होटल पे जाऊंगा, फिर अपने वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।